भारतीय किसान यूनियन के राजेंद्र मलिक और प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का बयान। भारतीय किसान यूनियन के दो गुट बनने के बाद नए संगठन भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेश टिकैत के गद्दार वाले बयान पर मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मलिक ने यूनियन को 25 साल देने की बात कही। वहीं राकेश टिकैत और महेंद्र टिकैत के साथ मिलकर पहले रहे हर मोर्चे पर साथ देने की बात कही। वैचारिक मतभेद होने के कारण अलग अलग संगठन बनाए जो किसानों की हर बात को सरकार के टेबल तक पहुँचाने का काम करेगा। देखिए, जो भी किसान समस्या होगी ये संगठन वो किसान की समस्या पे ही समस्या के लिए बनाएगा और किसान की समस्याएं देखी जाएंगी। पहले भी बहुत सारे संगठन हैं, तो क्या लगता है वो संगठन अपना काम नहीं कर पा रहे? चलो वो तो उनका अपना वो है, हम किसी भी संगठन के बारे में कोई वो नहीं करना चाहते वो किस तरीके से लेकर चल रहे, लेकिन हम अपने संगठन की बात करना चाहते हैं। हम अपने संगठन को किसानों के प्रति जो है पूरा काम करने में हमारा संगठन लगेगा और जितना भी हमसे बन पावेगा उतना हम किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए नहीं मान लिया, अगर हम नहीं मनवाना चाहते तो सरकार कैसे मानने की? आपने भी तो एक महापंचायत की थी, गन्ने का दाम मांगा था, आपने मिला? हमने उस दिन गन्ने का दाम मांगा था, उस दिन 25 रुपए मिले थे। नहीं, जितना आपने मांगा उतना मिला क्या? नहीं, उससे कुछ कम मिला है, लेकिन 25 रुपए उसी दिन घोषणा हुई थी। पर्याप्त है वो मूल्य? नहीं, कम है, लागत के हिसाब से कम है किसान के लिए। उसके लिए आगे फिर उसके लिए जो है लड़ाई फिर जारी रहेगी। आपके जिले में भुगतान नहीं हो रहा है? चुनाव से पहले सरकार ने सबको फ्री अनाज दिया, अब राशन कार्ड जमा हो रहे, किसान सम्मान निधि है उसे वापस करने की बात करी जा रही, तो तमाम तरह की चीजें है। देखिए अगर छटनी की बात की तो ये सरकार ने पहले क्यों दी सबको? देखिए सरकार कोई भी हो, वोट लेने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगी, जैसा भी उनका दिमाग काम करेगा जिस पार्टी का वो करेगी। हमारा मानना तो ये है जो हमारे देश की हालत फिलहाल चली हुई है, जो फ्री का खाने को मिल रहा है, मजदूर ने भी या सभी ने जो है काम करना ही बंद कर दिया तो क्या होगा, हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अरे भाई हम मेहनत का खाएं, करके खाएं, फ्री वाला दे बंद होना चाहिए, फ्री वाला उनको दे दो जिनके पास कोई आसरा नहीं है। चौधरी साहब, आपके अपने जिले में किसान सबसे ज्यादा बकाया है, आपके अपने जिले जी गन्ने का सबसे ज्यादा, सही कह रहे हैं, हमारे जिले में सबसे ज्यादा है, उस पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत जल्दी जो है, मतलब कुछ ना कुछ संगठन अभी 15 तारीख में बना था पीछे, अभी जो है इसकी कार्यकारिणी गठित है, वो सारा काम हो तो बैठ के जो कमेटी तय करेगी जिस तरीके से भी वो चलेगी उन सब पे विचार करके तब जाएगा। 29 तारीख को एक पंचायत है काकड़ा में, आप जाएंगे? नहीं, 29 तारीख में हम ना तो हमें बुलाएगा, दूसरी बात वो बालियान खाप की है पंचायत, वो बालियान खाप की पंचायत करेंगे। किसान सम्मान निधि वापस ली जा रही है, कितनी बार अगर कोई 4 बीघे का किसान है और उसके पति पत्नी दो बीघे दोनों का नाम है तो उसमें तो एक रहेगा। देखिए किसान निधि वो सरकार कुछ भी करें, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि हर आदमी चाहे तुझे भी मिले तुझे भी मिले, हर आदमी चाह, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सरकार इसमें जैसा करे वैसा।